TikTok will now warn against video containing unverified information. Facebook ये काफी time से कर रही है, TikTok भी अब ये करने लगी है. Basically एक मसला जो इंटरनेट के ऊपर ये है कि काफी ऐसे नल्ले लोग हैं जो फेक चीजें फैलाते हैं ना, मतलब सिर्फ कुछ व्यूज के लिए जानकर लोगों को डराते हैं. मैं मिसाल देता हूं, अगर मैंने टेक में ये हरकत करनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा आपको पता है आपका जो आईफोन है वो फटने वाला है, हर बंदा शेयर कर रहा है, शेयर करो जी, शेयर करो, शेयर करो. तो इस तरह उस पर रिसर्च भी नहीं ना करते, वो देखते हैं और बस मान लेते हैं कि ये होना है. यार लोगों को इस चीज का नहीं पता कि एक चीज जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है उसमें और एक चीज जो एक ऑथेंटिक वेबसाइट में शेयर हो रही है उसमें क्या फर्क है. लोगों के लिए दोनों चीजें बराबर हो रही हैं ना, मतलब इवन मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मैं भी कोई बात कर रहा हूं मेरी भी बात वेरीफाई करें. आप किसी को वो मतलब एक पोजीशन में ना ले आए कि आप उसकी बात को वेरीफाई नहीं कर रहे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और अच्छी बात है कि सोशल मीडिया इसको कर रहे हैं, ट्विटर भी ये काम करता है फैक्ट चेक के नाम से आई थिंक, और फेसबुक भी ये काम करता है, अब टिकटॉक भी करेगी. और टिकटॉक पे ये सबसे ज़्यादा मसला है, तो आई बिलीव क्योंकि वो वीडियो कंटेंट है तो बेहतर हो जाएगा. अब आप जब वीडियो शेयर कर रहे होंगे टिकटॉक पे किसी और बंदे की, तो अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात है तो आपको एक बाकायदा तौर पर वार्निंग आएगी कि भाई इसके अंदर जो बात की गई है वो ठीक नहीं है, तो काइंडली ज़रा देख लें.